क्लास। वालेकुम सलाम मैम। आवाज से आ रहा है मेरी सबको? यस मैम। अच्छा आज का लेक्चर है हमारा, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फ्लोरोस्कोपिक इक्विपमेंट पढ़ी थी। आज हम लोगों ने इसकी प्रोसीजर स्टार्ट करनी है। जैसा हमने बताया था कि आपको फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर बहुत ज्यादा है, वो हमने हर रीजन के डिवाइड किए हैं, जीआई ट्रैक के, रिप्रोडक्टिव के, बिल्वी के, ठीक है। तो वो जितने भी हम लोगों ने रीजन थे अंडर फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर्स, वो आज हम वन बाय वन पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, जीआई ट्रैक के जितने प्रोसीजर्स हैं। जैसा मैंने बताया था आपको कि हमने पूरे जीआई ट्रैक को डिफरेंट जो है ना उसमें डिवाइड किया हुआ है रीजन्स के अंदर। अपर ट्रैक के लिए हम लोग और प्रोसीजर करते हैं, फिर हम लोग क्या कहते हैं स्टमक के लिए और प्रोसीजर करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए और करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के लिए और करते हैं, ठीक है। ये सारे जितने भी प्रोसीजर्स हैं ये हम लोग अंडर फ्लोरोस्कोपी करते हैं। फ्लोरोस्कोपी लास्ट मैंने आपको लेक्चर के अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि किस तरह उसका वही एक्स-रे ट्यूब होती है सोर्स उसके अंदर, और उसका जो इक्विपमेंट है वो कैसे डिजाइन किया जाता है। पेशेंट जो है वो बुकी टेबल पे होता है या दूसरे क्या कहते हैं बुकी स्टैंड पे होता है या बुकी टेबल के ऊपर होता है, ठीक है। और एक्स-रे ट्यूब जो होती है वो बीच द पेशेंट टेबल होती है, फिर और जो हमारे पास इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है और जो कि एक्स-रे को डिटेक्ट करके ट्रांसफर करता है उसमें लाइट में, विजिबल लाइट में, और देन वो डिटेक्ट होते हैं हमारे मॉनिटर के ऊपर। ये वो सारा जो था वो कैसे डिजाइन किया गया था असेंबली को मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, वो थोड़ा सा लेंथी था, छोटा सा लेक्चर बना के मैंने अपलोड कर दिया था। तो उसके अंदर वो सारी वही चीजें हैं कि हम लोगों ने किस तरह जो है वो फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर उसके रूम को डिजाइन किया, ठीक है। आज हम लोग क्लिनिकल साइड पर आते हैं। क्लिनिकली हम लोग प्रोसीजर्स कौन कौन सा फ्लोरोस्कोपिक करते हैं, उसके अंदर हम लोग बेरियम या फिर कौन सा कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं, पेशेंट की पोजिशनिंग कैसे करेंगे और कैसे कैसे इमेजेस लेंगे कितने कितने टाइम के बाद, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपर जीआई ट्रैक से। आपको पता है कि हमारा जो जीआई ट्रैक है स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ, फिर देन हम लोगों के पास फेरेंस, एसोफेगस, देन हमारे पास क्या आता है स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर हमारे पास सिग्मॉइड, देन कॉलन, सिग्मॉइड कॉलन, देन रेक्टम। ये सारे हमारे पास जो है वो पूरा जीआई ट्रैक बनाते हैं। इन्हीं पार्ट्स को हम लोगों ने डिवाइड कर लिया, इतना ज्यादा लंबे लेंथी को ना हम लोगों ने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब अगर पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है विद द अपर जीआई प्रॉब्लम, उसमें क्या होता है कि पेशेंट एसोफेगस में उसके अपर जीआई जो हमारे स्टमक से ऊपर हिस्सा है एसोफेगस के अंदर, अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम आती है देन उसको हम लोग जो है ना रूल आउट करते हैं अंडर फ्लोरोस्कोपी, उसका प्रोसीजर करते हैं। वो कौन कौन सी कंप्लेंट्स के साथ आ सकता है एसोफेगस में, उसको डिस्प्लेजिया हो सकता है, दैट मींस के उसको डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग है, ठीक है। फिर हम लोग और उसके इंडिकेशंस देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कौन सा इसके अंदर बेरियम उसको पिलाएंगे और फिर पेशेंट की कैसी पोजीशनिंग करेंगे, बिकॉज हमने अपर जीआई ट्रैक देखना, उसको लिटा नहीं सकते हम लोग, उसको बिठा के उसके फिर हम लोग उसको पिलाते हैं बेरियम, और उसके बाद उसकी हम लोग एक्स-रे फिल्म्स लेते हैं थोड़े थोड़े टाइम के बाद। हमें पता है सबसे पहले हम लोग उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कि आपने सिर्फ मुंह में रखना है, उसको स्वॉलो नहीं करना बेरियम को, ठीक है। बेरियम को उसको हम लोग पाउडर फॉर्म में होता है और उसको हम लोग पानी के अंदर घोल के एक जूस की तरह का वो बन जाता है, लेकिन होता वो इसी तरह ही है वाइट कलर का, ठीक है। वो उसको पिलाते हैं, ठीक है, बिल्कुल पानी की तरह उसको बना देते हैं, मिक्स करके उसको जब पेशेंट को जिस दिन प्रोसीजर किया जाता है उस दिन उसे सारा एक्सप्लेन किया जाता है, डे बिफोर या उससे पहले जब हम लोग उसको बुलाते हैं, तो फिर हम उसके चीजें भी उसको कहते हैं ये चीजें लेके आना साथ में जिस दिन आपका प्रोसीजर होता है। तो बेरियम एक पाउडर फॉर्म में होता है, फिर उसको हम लोग उसमें पानी डाल के उसको मिक्स कर लेते हैं, ठीक है, और उसको जो है फिर पिलाते हैं। सबसे पहले उसे कहते हैं आपने ना इसको एक घूंट लेके ना अपने मुंह के अंदर सिर्फ रखना है और एहतियात के साथ कोई एक ड्रॉप आपके कपड़ों के ऊपर ना गिरे, क्योंकि जब आप एक्सरेज लोगे ना तो वो जो व्हाइट कलर का है ना वो कोई भी हमें आर्टिफैक्ट शो कर सकता है, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमारे बॉडी की जितने भी फॉलो ऑर्गन्स हैं बेरियम में उसके अंदर ये वाइट कलर का जाएगा और हमें एक्सरेज के ऊपर नजर आएगा, ठीक है। ये हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको ना दिखाती हूँ कि नॉर्मली हमारे जो एक्सरेज हैं, ये एक एक्सरे है, ठीक है, एक्सरे पर मैं आपने देख लिया,
अब इस एक्सरे के अंदर हमें नॉर्मली इस तरह जीयर ट्रैक नजर नहीं आता, हमें एसोफेगस नजर नहीं आता, हमें स्टमक नजर नहीं आता, हमें लार्ज इंटेस्टाइन नजर नहीं आता। हाँ, समटाइम्स बहुत ज्यादा गैस होती है जिसकी वजह से हमें थोड़ा बहुत वो उसके अंदर गैसेस नजर आ सकती हैं, बस इसके अलावा हम उसकी लाइनिंग को आउटलाइन नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर कोई पैथोलॉजी है तो वो हम लोग रूल आउट नहीं कर सकते एक्सरे के ऊपर। अब फ्लोरोस्कोपी क्या है, वो भी एक एक्सरेज ही है, ठीक है। हमने इसी तरह के उसके अंदर डायग्नोज करना है उसकी डिजीज को, तो हम क्या करते हैं उसके होलो ऑर्गन को हमें हाईलाइट करना है, क्या चीज खिलाएंगे तो वो हमारा हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे प्रोसीजर्स जो है वो हम लोग अंदर फ्लोरोस्कोपी करेंगे, एक्सरे सोर्स होगी, इसी तरह का एक्सरे होगा। इस एक्सरे के अंदर हमें सिर्फ बोन्स नजर आ रही है, सॉफ्ट टिश्यूज नजर नहीं आ रही है, ठीक है, तो उनको हम लोग रूल आउट करते हैं। वैसे ये एक्सरे जो है वो किस जगह का एक्सरे है, ट्रैकिया नजर आ रहा है इसमें, दैट इज स्पाइन का एक्सरे है मैम, लंबर स्पाइन। ये कौन सा एरिया होता है स्पाइन का, ये बता। सर्वाइकल। ये ऊपर कौन से वर्टेब्रा है, ये लंबर है, ठीक है, ये लंबर है, आगे इधर सेक्रम होता है, ये जो इस तरह पीछे नजर आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास पेल्विक बोन है, ठीक है, ये पीछे आप देख रहे हो। अगर आपने वर्टेब्रा को वैसे देखा होगा जो एनाटॉमी लैब के अंदर, अगर आप देख रहे हो छोटे छोटे से वर्टेब्रा किस तरह वो उनका वो साइड्स पे लैमिनास होते हैं, पीछे हमारे पास क्या उसके जो डॉट्स नजर आ रहे हैं, स्पाइनस प्रोसेस जो है वो अगर हम लोग कॉर्नर के अंदर देख रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हमें कैसे नजर आ रहे हैं, बिल्कुल डॉट्स नजर आ रहे हैं, पीछे जो स्पाइनस प्रोसेस लंबा सा होता है अगर हम साइड से देखते हैं, ये जो साइड्स पे डॉट्स नजर आ रहे हैं यूं करके, ये इधर से हमारे पास क्या होते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस साइड्स पे होते हैं, ठीक है, और ये उसकी बॉडी होती है, सेंटर के अंदर हमारे पास क्या डिस्क होती हैं वाइट ब्लैक कलर की, ठीक है, जिसे हम इंटरवर्टेब्रल डिस्क कहते हैं, ठीक है। अगर स्पेस कम होती है या कुछ हमें दो वर्टेब्रास की हाइट कम या ज्यादा हो जाती है, तो वो सारा कुछ जो है ना वो हम लोग एक्सरेस के ऊपर इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हम बस दिखाने का ये मकसद था कि हमारे इस एब्डोमेन के अंदर एब्डोमेन का एक्सरे किया गया है नॉर्मली, इसके अंदर अब हमें कोई चीज नजर नहीं आ रही। अच्छा, हम लोगों ने इसके अंदर अगर हमें कुछ सॉलिड चीज व्हाइट कलर की नजर आती तो वो भी एक्सरे को बड़ी क्लियर नजर आती। अब देखिए एब्डोमेन में हमें साइड्स पे कोई और ऑर्गन नजर नहीं आ रहा, हमारे साइड्स पे जो है ना फ्रैंक्स में आपको पता है यहाँ पे हमारे पास किडनीज भी होती है, इनकेस अगर किडनी के अंदर कोई स्टोन है अगर हमने उसका एक्सरे किया है एब्डोमेन का, तो वो हमें व्हाइट कलर का यहाँ पे चमकता हुआ व्हाइट अलग से एक स्टोन नजर आ सकता है, ठीक है। तो ये जो हमारा एक्सरे है उसके ऊपर सिर्फ बोनी मतलब हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं वो बड़े क्लियरली नजर आ सकते हैं, कोई फॉरन ऑब्जेक्ट किसी को बुलेट लगा है तो वो हमें जो है बुलेट नजर आएगा, सॉफ्ट जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे एक्सरे के ऊपर क्लियरली हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, चेस्ट एक्सरे है। अब चेस्ट एक्सरे के अंदर हमें क्या नजर आ रहा है, नॉर्मल लंग्स है, ठीक है, उसके बाद ये नीचे डायफ्राम है, डायफ्राम आप देख रहे हो इसके अंदर दो हमें इस तरह की लाइंस नजर आ रही हैं जो एरोज आपको दिखा रहे हैं। सो दिस इज एयर इन द पेरिटोनियम, ठीक है, पेरिटोनियम कैविटी जो है हमारे एब्डोमेन के अंदर एयर है जिसकी वजह से ये डायफ्राम देख रहे हो इस तरह डबल लेयर नजर आ रहा है, ठीक है, ये एयर है नीमो पेरिटोनियम। फिर उसके बाद आप जिस तरह पहले एक्सरेस के अंदर देखा था कि हमें जो है इंटेस्टाइन नॉर्मली नजर नहीं आ रही है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसके अंदर देखो तो ये आप देख रहे हो इसके अंदर डायलेटेशन थोड़ी सी बॉबल जो है वो हमें डायलेटेड नजर आ रही है, और ब्लैक ब्लैक सी गैस इसके अंदर होती है, तो इस वजह से ये ब्लैक और जो हमें एयर होती है वो हमेशा एक्सरे के ऊपर जो है वो ब्लैक नजर आती है, जिस तरह लंग्स है लंग्स के अंदर एयर होती है तो वो ब्लैक नजर आ रही है, ठीक है। फ्लूइड जो होता है ना वो हमें व्हाइट नजर आता है एक्सरे के ऊपर, बोन्स भी व्हाइट नजर आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन थी जिसकी वजह से ये हमारे जो इंटेस्टाइन है वो बहुत डायलेटेड नजर आ रही है और उसके अंदर गैस जो है वो हमें ब्लैक इस तरह नजर आ रही है, ठीक है। फिर कॉलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन, इसके अंदर भी जो है वो हमें ये गैस और ये कॉलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन इस तरह नॉर्मली नजर नहीं आती, ठीक। अब इसके पेट के अंदर क्या था, वाटर था, फ्लूइड था, जैसा मैंने भी बताया कि एक्सरेस के अंदर हमें फ्लूइड जो है वो व्हाइट नजर आता है, ठीक है। तो इसके एब्डोमेन के एब्डोमेन कितना व्हाइट व्हाइट इस तरह नॉर्मली नजर नहीं आता, ठीक है। तो दैट मींस इसके पेट में एसआईटीज है। फिर ये क्या है, ये सिग्मोइड वॉल्वुलस है, क्या है, सिग्मोइड कॉलन जो है वो उसमें ट्विस्ट हुआ हुआ है, ठीक है।
उस ट्विस्ट की वजह से जो है वो पीछे डायलेटेशन हो गई है सारी और इस तरह का हमारा मसला। अच्छा एओर्टा अगर देखो तो हमें पता है कि हमारा जो डिसेंडिंग एओर्टा है ऊपर से इस तरह स्पाइन के आगे आगे चलता हुआ नीचे की तरफ को डिसेंड होता हमें नजर आता है नॉर्मली। ठीक है अब ये दो हमारे पास एक्सरेज है, एक हमारे पास है एपी और दूसरा हमारे पास है लेफ्ट। ठीक है एपी के अंदर अंदर देखें तो ऐसे नॉर्मली हमें जो है एओर्टा नजर नहीं आता। अगर देखो ये एनोरिज्म है डायलेटेशन हुई हुई है तो हमें स्पाइन के साइडों पर भी ये इस तरह नजर आ रहा है। अगर उसका लेटर व्यू में देखो तो ये देख रहे हो ये इतनी मोटी सी जो ट्यूब टाइप मतलब ये वैसल नजर आ रही है हमें, दिस इज एनोरिज्म एओर्टिक एनोरिज्म। ठीक है लेटर व्यू के अंदर और क्लियर हो गया और जो एपी व्यू के अंदर था वो क्या था वो ओवरलैप कर रहा था लेकिन हमें उसकी एनोरिज्म की वजह से डायलेटेशन हुई तो साइड्स को भी यहाँ पे नजर आ। ठीक है तो ये हमारे मुझे कुछ इमेजेस दिखाने थे एब्डोमेन के अंदर और ये सॉफ्ट टिश्यूज और बोन्स हमारे पास नजर आती हैं। ठीक है अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपर जीआई ट्रैक से जो कि हमारी आज का टॉपिक है। वो क्या है कि जीआई ट्रैक को हमने इन्वेस्टिगेट करना है अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है किसी भी पैथोलॉजी। वन बाय वन ऊपर से स्टार्ट करेंगे एसोफेगस से। एसोफेगस के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसके अंदर कोई भी हम प्रॉब्लम की जो प्रोसीजर करते हैं। ठीक है एसोफेगस का प्रोसीजर को कहते हैं बेरियम स्वॉलो। ठीक है नाम याद रहे बेरियम स्वॉलो इज अ स्टडी टू इन्वेस्टिगेट एसोफेगस। ठीक है एसोफेगस में कोई भी प्रॉब्लम होगी पेशेंट कंप्लेन करेगा उसको डिस्फेजिया है दैट मीन्स उसको डिफिकल्टी है स्वॉलिंग में। ठीक है तो नाम ही उसका बेरियम स्वॉलो है तो एसोफेगस की स्टडीज को बेरियम स्वॉलो कहते हैं। इसके अंदर क्या होगा इंडिकेशन क्या है डिस्फेजिया इज इम्पॉर्टेंट। सब में एक जो है ना वो तो कन्फर्म इंडिकेशन है कि आपने फिर करना ही करना है बेरियम स्वॉलो। ठीक है तो इसके अंदर डिस्फेजिया इज द कंफर्म इंडिकेशन कि हमने बेरियम स्वॉलो करना है। बाकी जो है वो क्या है एक पेन है फिर यहाँ असेसमेंट ऑफ ट्रेकियो एसोफेजियल फिस्टुला। हमें पता है कि ट्रेकिया और एसोफेगस दोनों आगे पीछे होते हैं। ठीक है ट्रेकिया आगे होता है पीछे जो है वो एसोफेगस होता है उन दोनों के दरमियान जो है वो बन जाता है फिस्टुला। अच्छा मैंने अभी आपको कुछ इमेजेस दिखाए हैं अगर ऐसा फिस्टुला बन गया है ट्रेकिया एसोफेजियल फिस्टुला तो मुझे ये बताओ कि वो कौन से व्यू के अंदर हमें क्लियर फिस्टुला नजर आ सकता है एपी व्यू के अंदर या लेटरल व्यू के अंदर। लेटरल व्यू के अंदर। ठीक है हमें एपी के अंदर हमें पता ही नहीं चलेगा कि फिस्टुला है कि नहीं क्योंकि वो ओवरलैप कर रहे होते हैं। आगे क्या होता है हमारा ट्रेकिया होता है पीछे एसोफेगस उसके दरमियान जो है ना कम्युनिकेशन पाथ बन जाता है फिस्टुला जिसे कहते हैं। ठीक है तो वो हमें जब ओवरलैप किया होगा हमें नजर नहीं आएगा। अगर हम साइड से देखेंगे तो वो हमें दरमियान में कम्युनिकेशन दोनों में फील होगी के एसोफेगस और ट्रेकिया के अंदर। ठीक है तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि ट्रेकियोसोफेजियल फिस्टुला जो है वो किस व्यू के अंदर हमें क्लियरली नजर आ सकता है तो लेटरल व्यू के अंदर। ठीक हो गया बाकी असेसमेंट ऑफ द साइट ऑफ द परफोरेशन अगर एसोफेगस के अंदर परफोरेशन हो गई है तो देन भी हम लोग उसके बेरियम स्वॉलो करेंगे। So these four are the indications to investigate the esophagus. उसके लिए हम बेरियम स्वॉलो करें। ठीक है फिर बेरियम स्वॉलो करने के लिए ये कुछ ना बुक है मैंने आपको शायद बताई भी हो चैपमैन बुक है छोटी सी स्टडीज सारी इसके अंदर है सारे प्रोसीजर्स भी है छोटी सी बुक है एंड वो भी आप ले लो बेरियम के सारे स्टडीज उसके अंदर एमआरआई की है मेमो के हैं मतलब काफी ज्यादा उसके अंदर चीजें छोटी सी बुक है बहुत अच्छी बुक है चैपमैन बुक का नाम है। ठीक है प्रोसीजर्स पर लिखा होगा रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स बाय चैपमैन। ठीक है ये बुक आप सब लोग ले लो बहुत अच्छी बुक है ये सारे उसके अंदर से ही बनाए हुए लेक्चर्स। ठीक है वो तो सिर्फ ये जी आई ट्रैक और इसके मैंने लेक्चर बताया उसके अंदर एमआरआई भी मिलेगा उसके अंदर आपको सिटी स्कैन भी मिलेगा उसके अंदर आपको हर जो है ना रेडियोलॉजी प्रोसीजर उसके अंदर मिलेगा आपको। ठीक है तो वो आपके लिए आसानी आगे जब आप लोगों ने जाना है फील्ड में तो वो बुक आप छोटी सी बुक फॉरन खोलो और प्रोसीजर को रीड कर लो। ठीक है अच्छा फिर उसके बाद क्या है बेरियम स्वॉलो की नो कॉन्ट्रा इंडिकेशन फिर हमने क्या याद करना है इसका कॉन्ट्रास्ट मीडियम। हमने हर प्रोसीजर के अंदर उसकी इंडिकेशन उसका कॉन्ट्रास्ट कौन सा है अगर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है तो ठीक है कॉन्ट्रास्ट मीडियम कौन सा यूज करना है फिर हमने उसका प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करना है उसमें पेशेंट की पोजीशनिंग और वो सारी पिक्चर्स वगैरह। ठीक है हर एक की इंडिकेशन कॉन्ट्रास्ट मीडियम। अब इस कॉन्ट्रास्ट मीडियम का क्या नाम है बेरीटोप 150%। ठीक है ये बस अपने नाम याद करना है बेरीटोप
या गैस्ट्रोग्रेफल या एलओसीएम। एलओसीएम का मतलब है लो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडियम, ठीक है, जिसकी ऑस्मोलरिटी कम होगी वो हम इसके अंदर यूज करेंगे, लो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडियम इसके अंदर यूज होगा, ठीक है। ये तीन जो है इनमें से हम लोग कोई भी यूज कर सकते हैं, बेरिटो भी लो ऑस्मोलर है, गैस्ट्रोग्राफिन भी लो ऑस्मोलर है, और यहाँ भी हमने इस एलओसीएम लिखने का मकसद है कि अगर किसी और कंपनी का लो ऑस्मोलर का कोई है तो वो हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट नेम के साथ आते हैं, बट हमने क्या यूज करना, लो ऑस्मोलर वाला, ठीक है। दो जो है वो बेरिटॉप या गैस्ट्रोग्राफिन यूज हो रहे हैं, ठीक है, आपने सिर्फ नेम याद करना, ठीक है। बेरियम सोलो के अंदर ये कॉन्ट्रास्ट मीडियम यूज हो रहे हैं। देन इक्विपमेंट क्या है, रैपिड सीरीज रेडियोग्राफी जो कि फ्लोरोस्कोपी है, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है उसके अंदर फॉर द असेसमेंट ऑफ द लैरिंजियोफेरिक्स एंड अपर एसोफेगस ड्यूरिंग डेग्लूटेशन, ठीक है। इसके अंदर हम अपर जीआई ट्रैक को इन्वेस्टिगेट करते हैं। पेशेंट प्रेपरेशन कोई रिक्वायर्ड नहीं है उसके लिए, हम पेशेंट को कोई फास्टिंग कोई उससे पहले कोई प्रेपरेशन नहीं करवाते हैं, ठीक है। प्रीलिमिनरी फिल्म्स नहीं लेनी। प्रीलिमिनरी फिल्म्स का क्या मतलब होता है कि जब हम लोग स्कैन करते हैं ना, प्रोसीजर से पहले उसको बेरियम देने से पहले एक खाली इमेज देते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम लोगों ने उसको कोई अभी बेरियम नहीं दिया होता, जिस तरह एक खाली कह लो कि अभी देने से पहले वाला एक इमेज देते हैं, उसको हम कहते हैं प्रीलिमिनरी फिल्म्स, ठीक है। फिर हम उसको कहते हैं बेरियम आपने लेना है, और फिर बेरियम वाली स्टडीज हम जो है ना उसकी पिक्चर्स लेते हैं। अच्छा, मॉडिफिकेशंस क्या है फॉर द ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला, यूज ऑफ द नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब रेडियोग्राफ इन द लेफर पोजीशन, जो कि मैं अभी आपको पहले बता चुकी हूँ कि ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला है तो उसके लिए हम लोग कौन सा व्यू करेंगे, उसके लिए लेटर व्यू इज बेस्ट टू आइडेंटिफाई द फिस्टुला। Echolasia first syringe out the contents and then give contrast. इसमें क्या होता है Echolasia के आगे मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर ना पेशेंट का जो esophagus है वो नीचे से ना, मतलब जो उसका लोअर पार्ट है वहां से नैरो हो जाता है, ठीक है, नैरो हो जाता है तो क्या कहते हैं इसके अंदर जो है क्या कहते हैं, मतलब उसको कॉन्ट्रास्ट देने से पहले ना हम उसको एक नॉर्मल क्या कहते हैं एक्सरे ले लिया हमने, जिसके अंदर हमें उसको फिगर्स की डायलेटेशन हमें नजर आएगी, ठीक है। बीनीथ उसके लोअर एंड से वो थोड़ा सा नैरो होगा तो हमें अपर से वो थोड़ा सा डायलेटेड फील होगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रिंज आउट द कॉन्टेंट एंड देन गिव द कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। मैं आगे इमेज देती हूँ कि हमने फिर उसके बाद किस तरह उसको देना। ये क्या है, ये अपर हमारा जीआई ट्रैक के अंदर ये कौन सा स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, ये पीछे हमारे वर्टेब्राज हैं, ये फेस है आगे, ठीक है, ये मैंडिबल बोन, ये पीछे हमारे सर्वाइकल वर्टेब्राज हैं। तो ये हमारा कौन सा यहाँ क्या रोल हो सकता है, अच्छा तो कौन सा पार्ट, फेरिंग्स, ठीक है। तो ये अपर जीआई ट्रैक फेरिंग्स, फिर आगे ट्यूब शुरू हो जाती है उसकी एसोफेगस। अब ये देख रहे हो साइड से लेटर व्यू है, अब एसोफेगस हमें नॉर्मल नजर नहीं आता था, अब कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं इसके अंदर तो इस तरह वो उसको हाईलाइट कर देता है एसोफेगस को, ठीक है। ये देखो ये इसके नॉर्मल लोअर एंड पे क्या हो रही है, परफोरेशन है, ठीक है, क्लियर है। ये क्या है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स। इसमें क्या है, लोअर इससे ना एसोफेगस थोड़ा सा नैरो होता है, ऑब्स्ट्रक्शन कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती है लेकिन नैरो होता है, जिसकी वजह से जो है वो रिफ्लक्स हो सकता है, जो हमारा बेरियम जो हमने दिया है उसको वो बाहर वापस आ सकता है, ठीक है। ये इंफ्लेमेशन हुई हुई है एसोफेगस की जिसको कैंडिडा एसोफेजाइटिस कहते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर छोटे 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 उसकी वॉल के अंदर आप देखें डॉट्स, इस तरह उसकी नॉर्मल स्मूथ वॉल नजर नहीं आती है, नॉर्मली नजर आती है, जिस तरह इसके अंदर हमें इस तरह के डॉट्स नजर आते हैं, दिस इज ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन। देवी एसोफेजाइटिस है, इन्फ्लेमेशन है, इसके अंदर भी देखिए उसकी वॉल कैसे इरेगुलर है और इसके अंदर कैसे एसोफेगस नॉर्मली इस तरह नजर नहीं आती। अच्छा, रेडिएशन एसोफेजाइटिस क्या होता है कि जो पेशेंट बहुत ज्यादा पेशेंट नहीं या कोई भी बंदा जो रेडिएशन में बहुत ज्यादा काम कर रहा है उसके लेट इफेक्ट के अंदर पता क्या होता है, रेडिएशन उसके एसोफेगस को भी बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाती है, ठीक है। उससे क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता एसोफेगस है ना वो उसके अंदर क्या ऑब्स्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है, वो नैरो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह दरमियान के अंदर ये देखिए ऊपर से ठीक आ रहा है, फिर सेंटर के अंदर नैरो हो गया, आगे फिर एसोफेगस, ठीक है,
ठीक है, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन होगी या ड्यू टू द रेडिएशन, ये लेट इफेक्ट है, अर्ली इफेक्ट नहीं है, बहुत लेट इफेक्ट होते हैं रेडिएशन में, बहुत टाइम से काम कर रहा है बंदा, जिसकी वजह से उसको ये एसोफेगस के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, दिस इज नोन एज रेडिएशन एसोफेगा। अच्छा, डायवर्टिकुलम्स क्या होते हैं? आउट पाउचिंग, ठीक है, आपने पढ़ी होगी ना अपनी पैथोलॉजी के अंदर, जो डायवर्टिकुलम्स होते हैं वो बाहर की तरफ को छोटी छोटी सी आउट पाउचिंग नजर आती है। अब ये देख रहे हो इस फिगर्स के अंदर, ये बाहर वाली साइड पे छोटे छोटे से व्हाइट कलर के आपको बाहर वाली साइड पे आउट पाउचेस नजर आ रहे हैं ये इसके अंदर, और ये पूरी एसोफेगस जो इंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल पूरे साइड चारों तरफ से ना हमें छोटे छोटे से डायवर्टिकुलम्स नजर आते हैं, बाहर छोटे छोटे से आउट पाउचिंग नजर आते हैं। जब इसके अंदर हमने कॉन्ट्रास्ट दिया है तो उसने क्या किया, उन पाउचेस के अंदर भी कॉन्ट्रास्ट दिया है जो हमें छोटे छोटे से डॉट्स की तरह नजर आ रहे हैं, बट ये स्किन के साथ ही ये अटैच होते हैं और ये बाहर की तरफ को पाउचेस छोटे छोटे नजर आ सकते हैं। सो दिस इज नोन एज एसोफेजियल इंट्राम्यूरल सीडो डायवर्टिकुलोसिस, ठीक है, डायवर्टिकुलम्स। अच्छा, ये क्या है, ये है लियोमायोमा, ये कोई मैस है जिसने एक्सटर्नली जो है हमारे एसोफेगस को कंप्रेस किया हुआ है, ये देख रहे हैं इसके अंदर ऐसे लग रहा है सब खाया हुआ है कुछ, लेकिन एक्सटर्नली कोई मैस इस जगह पड़ा हुआ है इस जगह पे, जिसने इस जगह को आगे की तरफ को कंप्रेस कर दिया जो कि हमें एसोफेगस इस तरह नजर आता है, ठीक है। तो देख रहे हो कि डिफरेंट डिजीजेस हैं, बस हमने क्या करना है, हमने बेरियम को सिर्फ एक पिक्चर लेनी है उसके एसोफेगस की, बेरियम को लेते हुए बेरियम को उसको पेशेंट को पिलाना है, सबसे पहले उसको कहना है कि अपने मुंह में रखो, उसके बाद जो है हम लोग प्रीलिमिनरी फिल्म्स नहीं लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसको कहिए कि आपने जैसे ही ये बटन के ऊपर गए हो कंसोल के ऊपर, जैसे उसको कहना है ठीक है सॉलो करो, साथ ही आपने इमेजेस लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो बेरियम हमें फील हो रहा होगा नीचे की तरफ को जाता हुआ, तो जहाँ पे नैरोइंग होगी, जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी, वहां पे वो हमें नजर आ जाएगा, पूरी की पूरी एसोफेगस को लाइन आउट कर देगा, ठीक है। तो एसोफेगस नॉर्मली हमें एक्सरेस को जैसे मैंने दिखाया था बिल्कुल नजर नहीं आता, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई डायवर्टिकुलम है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, आप ये देख रहे हो तो फील हो रहा है कि एक्सटर्नली इसको कंप्रेस किया हुआ है, किसी मैस ने कंप्रेस किया हुआ है यहाँ पर, तो दिस इज एसोफेजियल लियोमायोमा। इसके अलावा इसके अंदर अगर कोई परफोरेशन हुई है तो वॉल के अंदर डिसकॉन्टिन्यूटी आ जाएगी, वो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से इसने यहाँ से परफोरेट हुआ है। इसके अलावा कोई फिस्टुला है तो वो लेटर डी के अंदर हमें बड़ा क्लियरली दोनों ट्रेकिया और एसोफेगस के अंदर फिस्टुला नजर आ सकता है, जो बेरियम का बेरियम में हमारा कॉन्ट्रास्ट है वो हमारा एसोफेगस से उस जगह से बाहर की तरफ को जाता हुआ पीछे ट्रेकिया में फील हो रहा होगा, ठीक है। उसके अलावा और हमारे पास क्या है, उसकी कुछ इन्फ्लेमेशन है, डिफरेंट दो इन्फ्लेमेशन पड़ी है, बैक्टेरियल इन्फ्लेमेशन हर्ब्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास दो और हम लोगों ने इसके अंदर इन्फ्लेमेशन पड़ी, जिसके अंदर जो वॉल है वो बहुत छोटी छोटी सी इसके अंदर जैसा कह लो डॉट वाइट कलर सॉरी ब्लैक कलर के डॉट छोटे छोटे से नजर आ सकते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा एसोफेजियल कार्सिनोमा है, ठीक है, ये कार्सिनोमा के अंदर एसोफेगस का हाल देखो क्या हो गया है, ठीक है, ऐसे बिल्कुल खराब सी हो गई है, इसके अंदर ये नैरोइंग हो गई है, उसकी वॉल इरेगुलर हो गई है, ये हमारे पास कार्सिनोमा के अंदर एसोफेजियल कार्सिनोमा के अंदर किस तरह का एसोफेगस है, ठीक है। एकलेजिया जिस तरह मैंने आपको बताया था ये ऊपर से आता है, ठीक है, बिल्कुल एसोफेगस और नीचे लोअर एंड पे आके हमारे यहाँ पे बिल्कुल नैरो हो जाता है, बिल्कुल ये कॉन्ट्रास्ट देख रहे हो आगे किस तरह जा रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, जेंकर्स डायवर्टिकुलम, एक बड़ा सा डायवर्टिकुलम है, बाहर की तरफ को आउट पाउचिंग हुई है, ये नजर आ रही है आपको, दिस इज जेंकर्स डायवर्टिकुलम, वो छोटे जो डायवर्टिकुलोसिस थे उसके अंदर बहुत सारे आउट पाउचिंग थे, ये आपको सिर्फ इमेजेस आज मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। और याद करने वाला इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर के अंदर हम लोग उसकी क्या इंडिकेशन है तो ये वाला प्रोसीजर करेंगे। मैं आपसे क्वेश्चन भी ये पूछती हूँ, पेशेंट कंप्लेन के साथ आया डिस्पेजिया के लिए, ठीक है, तो डिस्पेजिया क्या होता है, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, स्वॉलोइंग के लिए अपर जीआई ट्रैक का हम लोग प्रोसीजर करेंगे, ठीक है, तो आप नाम बता दो कौन सा प्रोसीजर होगा, बेरियम स्वॉलो होगा, ओके। इसके अलावा इंडिकेशंस के बाद इज देयर एनी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, नो। कैन वी टेक प्रीलिमिनरी फिल्म्स, नो, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा बेरियम कॉन्ट्रास्ट मीडियम हम यूज करेंगे, गैस्ट्रोग्राफिंग या लो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडियम, ठीक है, उसके अंदर कौन सा यूज हो सकता है, ठीक, वो हम लोगों ने बैरिटोप लिख दिया 150%, ओके बस, ठीक। फिर उसके बाद प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करते हैं पेशेंट को हम लोगों ने, ये डिटेल्स आज उस बुक के अंदर है, अगर किसी ने डिटेल पढ़नी है तो बुक ले ले, ठीक है, वरना ये मेन मेन पॉइंट्स इसी तरह हम प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं, ठीक है।
ठीक है, पेशेंट को किस तरह हम लोगों ने उसकी पोजीशनिंग करनी है, पेशेंट को इरेक्ट बिठाना है, ठीक है, उसको लिटाना नहीं है, पेशेंट इरेक्ट बैठेगा, ठीक, उसको साइड पे बिठाना है, बिल्कुल लेटरल फिल्म उसके बिल्कुल साइड पे होगी और दूसरा एक्सरे ट्यूब उसकी दूसरी साइड पे होगी, ठीक है। पेशेंट को हमने कहना है अपने बेलियन को बहुत एहतियात के साथ मुंह में लेना है, इधर उधर कपड़ों पे गिराना नहीं है, ठीक है, अगर गिराया तो वो डॉट्स हमारे पास इमेज के ऊपर आ सकते हैं। एहतियात के साथ उसने मुंह में लिया, फिर उसके बाद उसको कहते हैं अभी आपने इसको फॉलो नहीं करना, देन आप अपने कंसोल पर जाते हैं उसकी पोजिशनिंग करके, फिर उसके बाद उसको कहते हैं कि सॉलो करो, तो जैसे ही सॉलो करते हैं आपने साथ साथ इमेजेस लेने हैं, तो उससे क्या होगा हमारा बेलियम पील होगा उसके पूरे एसोफेगस में जाता हुआ, तो हम सारी इमेजेस को कैप्चर कर सकते हैं एज अ वीडियो रिकॉर्डिंग, ठीक। दूसरा हमारे पास आ गया बेलियम मील, अब ये नेम बता रहा है, वो सॉलो नेम से बता रहा था स्वॉलोइंग में डिफिकल्टी, बेलियम मील क्या हो सकता है कि स्टडी ऑफ स्टमक, ठीक है, जो स्टमक या ड्यूडिनम की प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हम उसकी प्रोसीजर को कहते हैं बेलियम मील, ठीक है। इसकी क्या इंडिकेशन है, इसके अंदर पेशेंट आता है डिस्पेप्सिया के साथ, डिस्पेप्सिया क्या होता है, डिफिकल्टी इन डाइजेशन, उसको डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो दिस इज डिस्पेप्सिया, वेट लॉस है, अपर एब्डोमिनल मास है, जीआई हेमरेज है, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है, परफोरेशन है, दीज ऑल आर द इंडिकेशंस टू परफॉर्म बेलियम मील, बेलियम मील इज स्पेशली फॉर द स्टमक एंड ड्यूडिनम, इंडिकेशंस देख लें। अब आ जाओ हम लोग इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट कौन सा यूज करेंगे, अच्छा कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हो सकते हैं, अगर कंप्लीट लार्ज बोवल ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम बेलियम मील नहीं करेंगे। मेथड क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, गौर से सुनना, डबल कॉन्ट्रास्ट मेथड यूज करते हैं बेलियम मील के अंदर, डबल कॉन्ट्रास्ट मेथड दोबारा कह रही हूँ, गौर से सुनना, मैं पूछती होती हूँ व्हाट इज डबल कॉन्ट्रास्ट मेथड। अब बेलियम जो सॉलो था उसके अंदर हमने सिंपल क्या दिया था, हमने बेलियम दिया था, कॉन्ट्रास्ट मीडियम दिया था, डबल कॉन्ट्रास्ट मेथड के अंदर क्या करते हैं, डबल नेम बता रहे हैं हम, कॉन्ट्रास्ट के साथ एक और चीज देते हैं, ठीक है, जिसको हम डबल कॉन्ट्रास्ट कहते हैं, वो हमारे पास होता है गैस प्रोड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। पहले जमाने में या पहले अभी भी समटाइम्स कहीं भी नहीं हो रहा यूज, इनो देखिए, इनो क्या होती है, इनो जो होती है वो गैस प्रोड्यूस करती है, ठीक है, हम कॉन्ट्रास्ट के साथ पेशेंट को इनो दे देते हैं या कोई भी ऐसा एजेंट जो है वो जो कि गैस प्रोड्यूस करेगा, कॉन्ट्रास्ट के साथ दिया जिसकी वजह से उसको कहते हैं डबल कॉन्ट्रास्ट, अलॉन्ग विद द कॉन्ट्रास्ट वी गिव अ गैस प्रोड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। उससे क्या होगा कि वो गैस अंदर गई, उसने क्या करना है, जो हमारा स्टमक है उसकी जो म्यूक्योसल वॉल है, म्यूक्योसल पैटर्न है, उसको हाईलाइट करेगा, ठीक है। इतना क्लियरली गैस आपको पता है वो हमें ब्लैक नजर आती है इसके ऊपर, और जो फ्लूइड होता है वो हमें जो लाइनिंग है उसकी किसी भी स्ट्रक्चर की वॉल की वो वाइट नजर आती है, तो जो म्यूक्योसल पैटर्न होता है आपने देखे वो यूं बीच में लाइन लाइन सी होती है, ब्लैक वाइट लाइन, तो वो म्यूक्योसल पैटर्न को बहुत अच्छे से हाईलाइट कर सकता है जब हम उसको डबल कॉन्ट्रास्ट देते हैं, डबल कॉन्ट्रास्ट मेथड फॉर द म्यूक्योसल पैटर्न, सिंगल कॉन्ट्रास्ट इन द चिल्ड्रन एंड वेरी इल एडल्ट, उसके अंदर हम डबल कॉन्ट्रास्ट नहीं देख सकते बच्चों में या फिर या जो बहुत ज्यादा बीमार है, ठीक है। तो व्हाट इज डबल कॉन्ट्रास्ट, डबल कॉन्ट्रास्ट इज वी गिव कॉन्ट्रास्ट अलोंग विद द गैस प्रोड्यूसिंग एजेंट, एंड व्हाई क्यों देते हैं हम लोग इसको, बिकॉज टू हाईलाइट द म्यूक्योसल पैटर्न, म्यूक्योसल पैटर्न को अच्छे से स्टडी करने के लिए हम डबल कॉन्ट्रास्ट मेथड यूज करते हैं, क्लियर हुआ, ठीक है। इंडिकेशंस हो गए, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं इसके अंदर कि लार्ज बबल ऑब्स्ट्रक्शन है, वी कैन नॉट डू बेलियम मील इन इफ पेशेंट हैविंग लार्ज बबल ऑब्स्ट्रक्शंस, ठीक है। मेथड इसके अंदर डबल कॉन्ट्रास्ट यूज होगा, लेकिन हम बच्चों में या जो बहुत बीमार है उसके अंदर डबल कॉन्ट्रास्ट नहीं यूज कर सकते, जी मैम। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हमारे पास आपको पता है दो हम एक साथ बेरियम एजेंट मतलब गैस प्रोड्यूसिंग एजेंट भी है और दूसरा बेरियम है, बेरियम के भी अपने कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, उसमें क्या होता है कि पेशेंट को हम फिर बाद में पानी पिलाते हैं जल्दी से जल्दी इसको उसकी बॉडी में से वो वॉश आउट हो जाए यूरिन के थ्रू या, ठीक है, इसी तरह कोई भी हम कॉन्ट्रास्ट देते हैं तो उसके अपने एक एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि वो पेशेंट की जो है ना बॉडी को और हार्म दे सके, ठीक, और साथ में हम लोग उसके गैस प्रोड्यूसिंग एजेंट भी दे रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है हमारी जो वॉल है उसको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है, ज्यादा देर के लिए कॉन्ट्रास्ट अगर
उसके साथ एजेंट जो गैस प्रोड्यूसिंग एजेंट इनो है उसके साथ ज्यादा देर के लिए अगर तो वो उसकी वॉल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमने बस फटाफट से इमेजेस लेने होते हैं और फटाफट से उसको कहना होता है कि अब आपने एटलीस्ट एक लीटर पानी पियो ताकि वो आपकी बॉडी से वॉश आउट एज सून एज पॉसिबल हो सके, यूरिन पास करो एज जितना जल्दी जितना फ्लूइड ले सकते हो फ्लूइड लो, ठीक है। इसी तरह हम लोग बाकी प्रोसीजर्स के अंदर भी कोई भी कॉन्ट्रास्ट देते हैं, अगर उसको पिलाया गया या इंजेक्ट किया गया तब भी इंजेक्शन के थ्रू भी हम उसको कहते हैं कि जितनी जल्दी वो बॉडी से वॉश आउट हो जाए बेहतर होता है। तो बच्चों की जो है ना बॉडी वैसे ही आपको पता है बड़ी वो इतनी ज्यादा इम्यूनिटी नहीं होती उसके अंदर, तो हम कोशिश करते हैं कि उसके अंदर हम ये इतना तेज होता है तो हम लोग उसको अवॉइड ही करें, ठीक है। तो एक पेशेंट भी आपको पता है बीमार है तो वो भी उसको उसकी बॉडी को हार्म दे सकती है, ठीक है, तो मैं अवॉइड ही करें। बेरियम मीड कौन सा, बेरियम कॉन्ट्रास्ट कौन सा यूज हो रहा है इसके अंदर, कॉन्ट्रास्ट मीडियम EZHD 250% जो है इसके अंदर यूज हो रहा है बेरियम मीड के अंदर, ठीक है। ऑपरेशन प्रिपरेशन इसके लिए फास्टिंग इज रिक्वायर्ड बिकॉज हम लोग अब स्टमक का कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा मिल ऑरली फॉर द 6 hours एटलीस्ट 6 hours की फास्टिंग, मस्ट नॉट स्मोक ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन एज दिस कॉजेज इंक्रीज गैस्ट्रिक मोर्टेलिटी। प्रीलिमिनरी फ्रेंड्स इसमें भी हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। अब ये देख रहे हो स्टमक की वॉल किस तरह हाईलाइट की गई है, ठीक है। अगर ये नॉर्मल नहीं है, मैं आपको अब नॉर्मल बता दूंगी कि किस तरह, लेकिन अगर आप उसकी वॉल देखो तो अगर हम नॉर्मली देखें तो नॉर्मली इस तरह वॉल नजर नहीं आती है, अगर एक कॉन्ट्रास्ट दिया जाए तो वो एक व्हाइट कलर की एक हाईलाइट किया जाता है उसकी वॉल को, ठीक है। अब एयर भी साथ दी है, डबल कॉन्ट्रास्ट मेथड यूज किया तो देख रहे ब्लैक व्हाइट उसके पूरे मेक्रोजल पैटर्न को उसने कितने अच्छे से जो है वो हमें हाईलाइट करके दिखाया है, ठीक है। ये देख रहे हो उसके मेक्रोजल पैटर्न वॉल, ये व्हाइट कलर की लाइन बाहर और ये जो दरमियान में ऊपर इसका मेक्रोजल पैटर्न है वाइट ब्लैक जो है इस तरह का इसके अंदर नजर। अच्छा डिजीजेस की तरफ चलते हैं कि बेरियम की जो स्टमक की डिजीजेस क्या आ सकती हैं। नंबर वन द मोस्ट कॉमन इज द गैस्ट्राइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक या ड्यूडेनम, इन्फ्लेमेशन की वजह से उसकी वॉल जो है वो एक तो हमें इरेगुलर सी नजर आएगी, ठीक है। उसके अलावा हमें इसके अंदर डायलेटेशन आगे ड्यूडेनम में इस तरह नॉर्मली नजर नहीं आता वो उस तरह नजर आएगा, ठीक है। कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन बन सकती है, कहीं पे हमें डायलेटेशन नहीं देख रहे, यहाँ पे थोड़ी सी ऑब्स्ट्रक्शन है आगे जहाँ पे ज्यादा वाइट नजर आ रहा है पीछे थोड़े डायलेटेड है, ठीक है। वॉल अगर देखें तो हमें वॉल इरेगुलर सी नजर आ रही है, दिस इज गैस्ट्राइटिस। पैंक्रियाटाइटिस क्या होता है, पैंक्रियाटाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ पैंक्रियाज। हमें पता है कि सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में इस जगह पर ट्रांसवर्सली क्या पड़ा होता है पैंक्रियाज, ये ऊपर स्टमक, यहाँ पे स्टमक से आगे क्या होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ये फिर हमारे पास सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। इधर जो सेंटर में हमारा होता है ना यहाँ पे पैंक्रियाज का हेड होता है वो ट्रांसवर्सली यूं लाने का, ठीक है। और उसका जो हेड है वो इधर जो आपको पता है ना ऊपर से बिल्वी ट्री, जो बिल्वी ट्री से हमारे पास कौन सी कॉमन बाइल डक्ट आती है और जो पैंक्रियाज है वो पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों मिलकर सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में ड्रेन करते हैं बाइल, ठीक है। ये तो एनाटॉमी आपको पता ही है। अब इस जगह पे यहाँ पे हेड होता है किसका, पैंक्रियास का। पैंक्रियास का हेड बड़ा सा यूं करके अल्सिनेट प्रोसेस नीचे की तरफ हुक सा बनाता है, ठीक है। तो ये बॉल सा यहाँ पे एम्बेडेड होता है यहाँ पे सेकंड पार्ट में। तो अगर आप इसकी वॉल देखो, ठीक है, तो दिस इज इररेगुलरिटी, देखो वॉल में किस तरह इस जगह पे, ये इस जगह पे इतनी नहीं है जितनी इस जगह पे, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैंक्रियास, या पैंक्रियाटिक वॉल जो है वो इतनी ज्यादा इररेगुलर है इस तरह जो कि ड्यूडेनम के अंदर इस तरह एम्बेडेड थी, इस तरह लग रहा है इसने इन्वेड किया हुआ है। तो दिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैंक्रियास एंड नोन एज द पैंक्रियाटाइटिस। बिनाइन पेप्टिक अल्सर, ठीक है, ये अल्सर आप देख रहे हो कि इसके अंदर किस तरह नजर आ रहा है, वॉल है ये आप देख रहे हो। कार्सिनोमा अगर है तो ये आपको इस तरह क्लियरली यही पड़ा है। ये किस चीज का इमेज है और कौन सा व्यू है, कौन सी मोडेलिटी है ये, सिटी स्कैन है, ठीक है, सिटी स्कैन ऑफ द एब्डोमेन। ये हमारे पास एक्सियल स्लाइस है, ये बैक पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, ये हमारा वर्टेब्रा है, वर्टेब्रल बॉडी, ये पीछे हमारे पास स्पाइनस प्रोसेस होता है, ये बीच में क्या होता है वर्टेब्रा के दरमियान में से क्या गुजर रहा होता है, कौन सा
स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ठीक है। अब उसकी वो ब्लैक कलर का हमें स्पाइनल कॉर्ड जो है नजर आ रहा है, जो कि ट्रांसवर्स, अब ये एक्सियल व्यू है, इसके अंदर आप एक सेक्शन दिया हमने, ठीक है, एब्डोमेन के अंदर। अच्छा, फिर उसकी साइड्स में हमें बैक में क्या व्हाइट कलर का ये नजर आ रहा है, दिस इज किडनी, ठीक है, ट्रांसवर्स में पड़ी हुई है, और ये किडनी का हाइलम होता है, यहाँ से इसके अंदर वेसल्स एंटर हो रही होती हैं, ठीक है, ये किडनी है, ये पड़ी हुई है, ये राइट किडनी, ये लेफ्ट किडनी, ठीक है। हमें पता है कि जो लेफ्ट किडनी होती है वो थोड़ी सी, सॉरी राइट किडनी होती है थोड़ी सी नीचे होती है, क्योंकि हमारे लीवर बड़ा हुआ है, लीवर की वजह से वो थोड़ी नीचे है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा, दोनों एक लेवल पर नहीं होती, थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, ये लेफ्ट किडनी हो गई। अच्छा, सेंटर में हमें पता है कि वर्टेब्रा के आगे से क्या गुजर रहा होता है, एओर्टा, ये गोल सा एओर्टा है, इधर आरबीसी है, ठीक है, ये दोनों गोल गोल जो आगे आपको दो वेसल्स नजर आएंगे वर्टेब्रा के बिल्कुल सामने, वो बड़ी वेसल्स है, एओर्टा होगी और एक आरबीसी होगी, ठीक है। ये कौन, ये एब्डोमेन के लेवल पे जो इंटेस्टाइन के लेवल पे ऊपर एक स्लाइस दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है, उसके अंदर बताया हुआ है। फिर ये आगे आप देखिए ब्लैक कलर की एयर नजर आ रही है इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, ये हमारे एब्डोमेन है और बाहर ये इस तरह का कट सेक्शन के अंदर मिल रहा है। मैम, जो आपने पैनक्रियाटाइटिस का बताया है, उसमें जो पैनक्रियाटाइटिस की वजह से सेकंड पार्ट होता है ड्यूडेनम का, उसकी वॉल की रेगुलरिटी हो जाती है। देखो, होती तो वो पैनक्रियास की वॉल जो है वो इररेगुलर है, लेकिन वो इस तरह साथ अटैच होता है कि ये पैनक्रियास ही समझ लो कि इस तरह इधर 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 उसने उसकी वॉल को क्या कह दिया है, जिस तरह पुश कर दिया आगे की तरफ, तो इतनी उसमें इररेगुलरिटी थी पैनक्रियाटाइटिस के अंदर, पैनक्रियास की वॉल के अंदर, क्योंकि वो बिल्कुल साथ ही जो अटैच होता है, ठीक है। अगर आप देखो तो बाकी उसकी वॉल बिल्कुल इस तरह नहीं है, ये अंदर से देख रहे हो, यहाँ तक जो थी बिल्कुल स्मूथ थी, फिर आगे जहाँ भी उसका हेड साथ अटैच होता है वहां से ज्यादा इररेगुलर है, यस मैम, ठीक है, इस एरिया, अगर ये पीछे देख रहे हो, देख रहे हो स्मूथ है, स्मूथ आते हुए फिर इतनी ज्यादा इररेगुलर हो गई है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज इतना साथ इसकी बिल्कुल अटैच होता है, तो उसने इसकी तरफ को उसने पुश कर दिया है, या उसके अंदर जो उसकी वॉल है उसको इररेगुलरिटी उसके अंदर इस वजह से आ गई। अगर हम ड्यूडेनम की वॉल देखें तो ड्यूडेनम की वॉल तो बिल्कुल हमें क्लियर सही है, स्मूथ है, ठीक है, सिर्फ इस वजह से यहाँ पे जो है और उसकी वजह से प्लस उसकी इंफ्लेमेशन बिल्कुल एक जगह पे साथ ही अटैच होता है कितने टाइम के लिए, तो उस वॉल को तो ड्यूडेनम की जो वॉल है बाहर आउटर वॉल है उसको भी इन्फ्लेम कर सकता है ना, तो उसकी इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, तो अलॉन्ग विद द पैनक्रियाटाइटिस ये इनर वॉल जो है जो कि पैनक्रियास के साथ है उसकी भी इन्फ्लेमेशन आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, ओके मैम। अच्छा, ये हो गया सीटी, हो गया। अच्छा, ये ड्यूडेनल अल्सर है ड्यूडेनल का। फिर आ जाओ हमारे पास, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द बेरियम, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इसके अंदर, लीकेज ऑफ द बेरियम फ्रॉम द अनसस्पेक्टेड परफोरेशन, ठीक, वो पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है, अगर कहीं इसको परफोरेशन हुई हुई है और बेरियम वहां से लीक आउट करके उसकी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर चला गया तो वो उसके लिए एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, एस्पिरेशन हो सकती है, कन्वर्जन ऑफ द पार्शियल लॉर्ड्स बाउल ऑब्स्ट्रक्शन इनटू कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन बाय इंफेक्शन ऑफ द बेरियम। अब देखो बेरियम इतना ज्यादा थोड़ा सा क्या होता है, सेमी सा होता है, बिल्कुल एक पाउडर फॉर्म में हम उसको पानी के अंदर घोल के उसको फुलाते हैं, ठीक है, समटाइम्स क्या होता है मामूली सी ऑब्स्ट्रक्शन या थोड़ी ऑब्स्ट्रक्शन हुई होती है लेकिन बेरियम वहां जाकर फंस जाता है और उसको ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन उसकी वहां पे कॉज कर सकता है, ठीक है, तो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन से और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन में भी कन्वर्ट हो सकती है बेरियम अपेंडिसाइट्स। अपेंडिक्स किस जगह पे होती है, राइट और लेफ्ट, लेफ्ट साइड में, नहीं राइट साइड पे, राइट साइड, राइट साइड, हाँ राइट साइड पे होती है। अब वो आपको पता है अपेंडिक्स को हर एक के अंदर होती है लेकिन अपेंडिसाइटिस जब होता है इन्फ्लेमेशन होता है कि फॉरन कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो अपेंडिक्स के अंदर चला जाता है तो वो इन्फ्लेम हो जाती है, ठीक है, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, वो इन्फ्लेम हो जाती है, उससे जो है पेशेंट फिर उसके बाद सर्जरी करके उसको रिमूव किया जाता है, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है बेरियम जो उसके हमने उसको पिलाया समटाइम्स क्या होता है कोई ऐसा रेजिड्यू जो है वो उसके अंदर जाकर उसको इन्फ्लेम कर सकता है, ठीक है, तो बेरियम की ये भी कॉम्प्लिकेशन। अब आज नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया, हमने एसोफेगस पढ़ लिया, उसकी इंडिकेशन पढ़ लिया, बेरियम उसका पढ़ लिया कौन सा लिखना, हमने स्टमक का पढ़ लिया, स्टमक का आगे, स्टमक से आगे अब हम आगे हैं किस तरफ, उसकी इंटेस्टाइन की तरफ, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आ गए हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसको कहते हैं बेरियम फॉलो थ्रू। मेन याद करना हर प्रोसीजर का
फॉलो फॉलिंग एसोफेगस का हो गया, मील स्टमक का हो गया, फॉलो थ्रू, अब फॉलो थ्रू इतनी बड़ी ट्यूब है उसको हमने फॉलो थ्रू करना है, ठीक है। अब पूरी ट्यूब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की उसकी स्टडी को हम कहते हैं बेरियम फॉलो थ्रू। दिस इज द स्टडी ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इंडिकेशन है पेन, डायरिया, ब्लीडिंग, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन या एब्डोमिनल मास। इसमें क्या करते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन अगर है या सस्पेक्टेड कोई परफोरेशन है तो उसके अंदर हम लोग जो है ये बेरियम फॉलो थ्रू नहीं करेंगे, ठीक। बेरियम कौन सा लेंगे इसके अंदर मीडियम, बेरिडॉक 100% या 3-4 ml पर kg जो है ना पेशेंट की वेट के लिहाज से फिर हम इसको देते हैं पेशेंट के लिए। ओवर काउस ट्यूब फ्लोरोस्कोपी यूनिट, ये हमें पता है कि हम किस तरह परफॉर्म करते हैं, पेशेंट को जो है वो इसके अंदर लिटा देते हैं काउच के ऊपर, उसके अंदर हमने बिठाया था, बिठा के हमने इमेजेस लिए थे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, पेशेंट को हम लोगों ने लिटा देना है। अब इतनी बड़ी ट्यूब है, हम लोग उसको कुछ अब इतनी बड़ी ट्यूब के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पूरी हमने उसको हाईलाइट करना है, तो क्या होगा कि बेरियम जो है वो कुछ टाइम के बाद जाएगा कहीं कहीं पर, ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ टाइम के लिए हम लोगों ने उसके फिल्म लेनी है, पहले 5 मिनट के बाद ले ली थी, वो आगे मैं आपको दिखाती हूँ कितने टाइम के बाद जो है वो हम लोगों ने इमेजेस लेनी होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर पेशेंट प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होती है, क्या करना होता है, जो हमारे पास मेटोक्लोरा क्लोप्रामाइड जो हमारे पास मेडिसिन है, ये क्या होती है, ये हमारे पेट को साफ करने के लिए गोलियां होती हैं छोटी सी, ये हम पेशेंट को दे देते हैं। इसको कहते हैं कि आपने ना 20 मिनट पहले जो है ये मेडिसिन ले लेनी है। इसकी प्रिपरेशन के अंदर क्या होगा कि आपका जो पेट है, इनकेस जो है हमने स्मॉल इंटेस्टाइन करना है, अगर उसके अंदर कोई फीसिस वगैरह या पेट को हम लोगों ने बिल्कुल साफ क्लियर कर लेना है, ठीक है। उसको कहना है कि आपने ये जो है ना कुछ छोटी सी गोलियां होती हैं ये 20 मिनट पहले आपने खा लेनी है, ठीक है। इसके अंदर प्रीलिमिनरी फिल्म भी लेनी है हमने। इसमें क्या होगा कि हम लोगों ने प्लेन एब्डोमेन का बिफोर गिविंग कॉन्ट्रास्ट हम उसके प्रीलिमिनरी फिल्म लेंगे। इसके अंदर सिंपल एब्डोमेन की कोई उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट नहीं है, एब्डोमेन का एक एक्सरे ले लिया, ठीक है। उसके बाद उसको 20 मिनट पहले का बोल दिया, उसमें पेट अपना बिल्कुल साफ करके आना है, ठीक है। मेडिसिन ले लेनी है, उसके बाद वॉशरूम से बिल्कुल होके आना है, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने इसको काउच के ऊपर लिटा देना है, ठीक है। उससे पहले हमने इसको कॉन्ट्रास्ट देना है, ठीक है। फिर हम लोग कितने टाइम के बाद इसके फिल्म लेते हैं, प्रॉन फिल्म ऑफ द एब्डोमेन एवरी 20 मिनट्स ड्यूरिंग फर्स्ट आवर, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर होता है क्योंकि पूरी हम लोगों ने उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन को देखना है। उसमें हम क्या कहते हैं कि पेशेंट को हर 20 मिनट के बाद एक इमेज लेना होता है, ठीक है। एक घंटे के पहले घंटे फिर सब्सिक्वेंटली एवरी 30 मिनट अंटिल द कॉलम इज रीच। अब हमने सिग्मॉइड कॉलम या सिग्मॉइड तो नहीं, जो हमारा ट्रांसवर्स कॉलम है, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, हमने सिर्फ इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टडी करना होता है। वहाँ कॉलम तक जो है अगर पहुँच गया देन हमारी स्टडी कम्प्लीट हो गई। हमने कुछ टाइम के बाद उसके इमेजेस लेने होते हैं, कॉन्ट्रास्ट कहाँ चला गया, पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन को हाईलाइट करना, ठीक है। स्पॉट फिल्म्स ऑफ द टर्मिनल इलियम्स आर टेकन सुपरनली। अब आज हमारा लास्ट है स्मॉल बोवल एनीमा। दिस इज फॉर द लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन तक हम लोगों ने स्टडी कर ली है कौन सी है और उसकी इन्वेस्टिगेशन क्या है, ठीक है। देन हमारे पास क्या आ गया, स्मॉल बोवल एनीमा, दिस इज फॉर द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब क्या होता है, गिव्स बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ द स्मॉल बोवल, रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ द कॉन्ट्रास्ट डायरेक्टली इन टू द जुजनम, अवॉइड सेगमेंटेशन एंड द फ्लोकुलेशन। अब इसके अंदर स्मॉल बोवल एनीमा के अंदर जो है ना बेरियम एनीमा जिसे कहते हैं, इसके अंदर जो है ना हम मैं बताती हूँ किस तरह परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर हम थ्रू माउथ हम उसको जो है बेरियम नहीं देते, एनीमा के अंदर हम लोग उसको हमेशा जो है थ्रू रेक्टम जो है उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट जो है वो इंजेक्ट किया जाता है। कौन सा कॉन्ट्रास्ट इसके अंदर यूज करते हैं हम, माइक्रोपैक 100%, ठीक है। टैप वाटर टू गिव वॉल्यूम उसके अंदर मिक्स करते हैं और उसके फिर हम लोग जो है डाइल्यूट कर लेते होते हैं, वो भी पाउडर फॉर्म में होता है। कंटिन्यूस इन्फ्यूजन ऑफ द मिथाइल सेल्यूलोज मेड अप टू 2 liters रिड्यूस द विस्कोसिटी गिव्स बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ द बोवल लूप। हमने बहुत ज्यादा इसको विस्कस नहीं बनाना है, इसको डाइल्यूट कर लेना है। ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन का सारा हो गया, ठीक है। नजर आ रहा है सारी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हाइलाइटेड, पूरे लूप्स जो है वो जब तक नहीं क्लियर हो जाते हैं हम लोगों ने उसके फिल्म्स लेती रहने, फिल्म्स लेते रहने, ठीक है। ये हमारे फिर हमें क्या इसके अंदर पैथोलॉजी मिली है, जो जुजिनल जो है ना वहाँ पे हमें ऑब्स्ट्रक्शन मिली है।
क्रॉनिक रेडिएशन एंटेरोपैथी, दिस इज ऑल्सो डिजीज ड्यू टू द रेडिएशन एक्सपोजर. ठीक है, पेशेंट एक यहाँ पे बंदा जो रेडिएशन में बहुत ज्यादा काम कर रहा है और उसके इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इस तरह का हमें इमेज मिलता है, दिस इज द क्रॉनिक रेडिएशन एंटेरोपैथी. एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द जुजुनम, इसके अंदर हमें मैस मिल रहा है. ठीक है, ये इसके अंदर इसका क्या कह सकते हैं, वो हम ये जो हमें कैंसरस सेल्स हैं वो हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पे पड़े हुए, जिसने यहाँ पे इसको मैरिज किया है. पॉन्स डिजीज. अब मैंने आपको इसके बाद असाइनमेंट देनी है, मैं पहले दिखा दूँ आपको कुछ, फिर उसके बाद में आपको तब आपको पूरा समझ आ जाएगा. ठीक है, स्मॉल बाउल इस्केमिया, इलियर लिम्फोमा, डायवर्टिकुलम इसके अंदर. ठीक है, इतना बड़ा बाहर की तरफ को एक नजर आ रहा है. जुजुनल डायवर्टिकुलोसिस, जो छोटे छोटे डायवर्टिकुलम्स हैं बहुत सारे जिसमें उसके अंदर एसोफेगस के अंदर थे, इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इतने सारे डायवर्टिकुलम बाहर की तरफ का आउटक्रॉसिंग है. अगर एक है तो डायवर्टिकुलम, अगर बहुत ज्यादा है तो डायवर्टिकुलोसिस. लास्ट हमारे पास बेरिया मिनिमा इज फॉर द लार्ज इंटेस्टाइन. इंडिकेशन क्या है, चेंज इन द बोवल हैबिट, पेन, मैस, मेलिना, ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है, वेरियन नीमा के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हो सकते हैं, एब्सोल्यूट टॉक्सिस, मेगाकोलोनिया, सीबम मेम्ब्रेनस कोलाइटिस एंड डीप रेक्टल बायोप्सी. ठीक है, या रिलेटेड उसके अंदर इनकम्प्लीट बोवल ऑब्स्ट्रक्शन है. अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको ना ही देखेंगे, क्योंकि वो और ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है अगर कन्फर्म पहले से ही है. ठीक है, फिर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टिगेशन की जाती है, सिटी स्कैन करवाया जाता है या कुछ और. ये हमारे पास कॉन्ट्रास्ट मीडियम है, नाम याद कर लो हर चारों के, बस कॉन्ट्रास्ट मीडियम के नाम याद कर लो, टेबल बना लो, एक तरफ लिख लो बेरियम सोलो. ठीक है, फिर बेरियम नील, बेरियम सोलो थ्रू एंड बेरियम एनिमा. फिर उसके आगे उनकी वो लिख लो कॉन्ट्रा इंडिकेशन सबकी, फिर अगर है या नहीं है उसके अंदर, फिर उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट कौन सा दे रहे हैं चारों का, सबके आगे एक एक नेम लिख लो उसका, याद करना आसान हो जाएगा. ठीक है, प्रिलिमिनरी फ्रेंड दो के अंदर है और ऊपर दो में नहीं है, यस नो लिख लेना. ठीक है, और ये इस तरह टेबल बना के याद करोगे आपको चारों चीजें याद हो जाएंगी नेम वगैरह. अब इसके अंदर क्या है, पेशेंट प्रिपरेशन, लो रेसिडुअल डाइट फॉर द 3 डेज प्रायर टू द एग्जामिनेशन. 3 दिन पहले हमने उसको कहना है कि आपने जो है ना बहुत हैवी डाइट नहीं लेनी है, आपने लो रेसिडुअल डाइट लेनी है फॉर द 3 डेज. फिर उसके बाद आपने फ्लूइड इनटेक बहुत ज्यादा लेना है, फ्लूइड. फिर उसके बाद उसको टैबलेट्स दी जाती हैं. ठीक है, वो भी हम लोग क्या करते हैं कि उसका जो है वो पेट साफ रहे उसके लिए उसको टैबलेट्स दी जाती हैं प्रायर टू द एग्जामिनेशन. ये लार्ज इंटेस्टाइन इस तरह हाईलाइट होगी. ठीक है, पॉलीफोसिस कोलाय, कार्सिनोमा ऑफ द सिग्मोइड कॉलम. ठीक है, ये पूरा ट्रांसवर्स कॉलम, असेंडिंग कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम, आगे सिग्मोइड कॉलम और रेक्टम तक, ये पूरे एरिया को जो है वो बेरिया मिनिमा के अंदर हम देखते हैं. ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ये सारी डिजीजेज हम लोग इसके अंदर इसको देख सकते हैं. कॉम्प्लिकेशन हो गए, क्रॉन्स डिजीज है, डायवर्टिकुलाइटिस. ठीक है, ये देख रहे हो इसके अंदर डायवर्टिक लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आउटक्रॉस. ठीक है, ये जो है ट्यूबरकुलोसिस, एंट्रोकोलाइटिस है, सिमिकोलाइटिस. ठीक है, ये सारी जो है लार्ज इंटेस्टाइन की पिक्चर है. अब आप, मैंने इन इमेजेस को इतने गौर से आपको नहीं पढ़ाया, अब आपने क्या करना है इन सारे इमेजेस को, जिसमें सिर्फ डिजीज इमेजेस है. ठीक है, इमेजेस तो आपको क्लियरली नजर आ गया कि ये वाली डिजीज है, तो ये नजर इस तरह आती है. अब आपने क्या करना है, आपने सारी के सारी असाइनमेंट है आपकी, इन सारी डिजीजेस को आपने जो है वो एक क्या कहते हैं टेबल बनाना है. एक तरफ इन डिजीजेस का नेम लिखना. ठीक है, फिर इसके आगे इसका इमेज लगाना है यहाँ से. ठीक, इमेज बेशक एंड में लगा लो, उसके आगे आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है. सिंपल गूगल के ऊपर जाओ. ठीक है, कॉलोनिक कार्सिनोमा या फिर आप डायवर्टिकुलोसिस ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन क्या होते हैं, वो 2 लाइनें या 3 लाइनों की एक डेफिनेशन वहां पे गूगल के ऊपर आपको मिल जाएगी. आपको सिर्फ याद करने के लिए आपने क्या करना है, उन सबको आगे कॉपी पेस्ट करके जाना है. ठीक है, याद करने के लिए, और आगे इनका एक एक इमेज, जितनी भी इसके अंदर डिजीजेज है ना, मैंने आपको इमेजेस दिखाए हैं, इनकी आप लोगों ने 1 लाइन 2 लाइन डेफिनेशन एक टेबल बनाना है. ठीक है, नेम लिखने हैं उनके, ये जितने भी माइकल्स, डायवर्टिकुलम क्या होते हैं, ठीक है, लिम्फोमास क्या होते हैं, स्मॉल, ये इनके यहाँ से आगे चलते जाओ, नेम लिखते जाओ आगे उसकी गूगल के ऊपर, बस नाम लिखो गूगल के ऊपर, वहां से कॉपी पेस्ट मारो और उसका एक इमेज लास्ट में लगाओ. ठीक है, एक असाइनमेंट आपकी ये हो गई.
छोटी सी असाइनमेंट है, ये आपने मुझे ना कब तक देनी है, अगले हफ्ते दे देना, ठीक है? आज बस अभी जाओ, बल्कि 5 मिनट के बाद क्या करो, जो है इसको लेक्चर को खत्म किया, एक टेबल यहीं पे वर्ड खोला, टेबल बनाया 3, उसके अंदर कॉलम बना दिए, पहले अंदर यहाँ से लिखा रीजनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, उसके आगे लिख लिया जितनी भी आपको इमेजेस इसके अंदर है ना, उसकी आप लोगों ने क्या एक वन लाइन जो है ना डेफिनेशन लिखनी है कि ये किस वजह से क्या होता है, इसको क्यों ये कहते हैं, ठीक है, और आगे उसका एक इमेज लगा देना, समझ आ गई? यस मैम। जी मैम। ये छोटी सी असाइनमेंट है, बस एक टेबल आपने बना के बताना। अच्छा, आपका जो रीटेक है वो आपको मैंने आपको ईमेल की थी, मिल गई होगी सबको, क्या आज पहले मैंने लेना था, लेकिन आज मैं नहीं लूंगी, अब जो नेक्स्ट आपकी क्लास होगी ना वो भी मैं आपको ईमेल कर दूंगी, जो नेक्स्ट क्लास कब है आपकी, फ्राइडे को है, तो फ्राइडे को इस टाइम पे सुबह जो है मैं टाइम आपका बढ़ा दूंगी के दे दूंगी इसको, लेकिन उसके बाद मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, ठीक है, आपको टाइम मिल जाएगा, पहले 30 सेकेंड काम था, 50 सेकेंड्स दे दूंगी या 1 मिनट दे दूंगी, अगर तो वो बिल्कुल छोटी छोटी सी स्टेटमेंट्स हुई तो मैं 50 सेकेंड्स बहुत इनफ होते हैं, ठीक है, और जो है क्या कहते हैं इसको, नेट का इशू होता है बार बार जो है आप लोगों के स्टक हो जाता है, लेकिन जो है अब जो है मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, आपका दोबारा से रीटेक होगा फ्राइडे को, वही टाइम सुबह 9:30 बजे से 18 मिनट्स दे दूंगी, ठीक है, उसके अंदर आप लोगों ने उसको 20 MCQs को दोबारा से करना है, ठीक है मैम? सिलेबस वही होगा, सिलेबस कितने थे पहले लेक्चर मैम? फर्स्ट 6 लेक्चर्स थे, अभी हम कितना पढ़ गए, 11 पढ़ गए मैम, काफी है इतने, चलो ठीक है, क्योंकि आपका फिर 7-8 से शायद मेट स्टार्ट होगा, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी जो हमारे पास पहले आई थी डेट्स, उसमें 7-8 जो था वो मेट स्टार्टिंग डेट थी, ठीक है, तो एक हफ्ता रह गया, अभी फटाफट से इसको खत्म करो ताकि आगे फिर हम लोगों ने मिड्स की तैयारी करनी है। मैम ये वाला सिलेबस हमारा फिर मिड्स में तो नहीं आएगा ना? देखो अभी कुछ कह नहीं सकते मैम, मिड्स ऑन कैंपस होंगे, अभी क्या, तो क्या मतलब है, आप लोग जो पढ़ लेते हो भूल जाते हो साथ के साथ, नहीं मतलब के दोबारा अपने याद तो किया ही हुआ, बस अगर कोई चीज आ भी गई है तो उसमें से पीछे से कुछ चीजें कम देती होती है पिछले सिलेबस में से, ज्यादातर जो आपका नया होता है उसमें से ही देना होता है, तो जो है अगर पढ़ा भी हुआ तो वो आपको उसमें हो जाएगा, ठीक है, तो अब मुझे नहीं पता इन्होंने मिड्स लेने किस तरह है, आपके सब्जेक्टिव टाइप है, एसईक्यूज टाइप लेना है इन्होंने, वो मैं पूछ लूंगी कि क्या अब नया पॉलिसी है, या लास्ट टाइम आप लोगों ने मिड्स नहीं लिए थे ना लास्ट सेमेस्टर में मैम? हुए थे हमारे, उसमें सारे वाइवाज ही हुए थे, फाइनल में भी मिड्स में भी, और प्रेजेंटेशंस हुए थे, सब्जेक्टिव नहीं हुआ था कुछ क्लासेस के नहीं, अंडर मैम फाइनल फाइनल हुआ था हमारा, अच्छा, उसमें वाइवा भी हुआ था, रिटन सारे वाइवा से थे। यस मैम, यस मैम, मैम मिड्स ऑनलाइन ही होंगे, मिड्स अभी तक नहीं पता, कोई कह रहे 7 से स्टार्ट हो रहे हैं आपकी यूनिवर्सिटी, वो भी हमें इवेंट का था यूनिवर्सिटी की तरफ से, दें अगर तो यूनिवर्सिटीज में स्टार्ट हो जाती है 7-8 से, और देन तो आपको पता ही है ऑन कैंपस ही होंगे। अच्छा, और एक बात, नेक्स्ट मेमो में अगर फिर किसी का पोर्टल में मसला है, कभी इतने दिन है फ्राइडे तक पोर्टल प्लीज अपना ठीक करवा लो, किसी का फिर ना कहना मेरा पोर्टल ब्लॉक था, और फिर भी नहीं उस वक्त तक हुआ तो वो दूसरा ऑप्शन मैं हमेशा आपको देती होती हूँ, यूनिवर्सिटी में आओ उसी टाइम पे, इसके बाद नहीं मैं भूलूंगी, उसी टाइम पे मेरे साथ यहाँ पे क्लास में बैठो और मैं आपको हार्ड कॉपी में दूंगी, एग्जाम दो और किसी वक्त, ठीक है, दो ऑप्शन है, उसके अलावा अगर कोई तीसरा किसी का प्रॉब्लम है तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगी, ठीक है, अभी टाइम है, अपना पोर्टल छोटल जो भी है करवाओ ठीक, ब्लॉक है तो, और दूसरा अगर नहीं हो सकता उस वक्त तक तो आप ऑन कैंपस आ जाओ एग्जाम दो, एग्जाम के लिए और क्या मैं कर सकती हूँ, ठीक है, इंशाल्लाह फिर मैं आपको ईमेल कर दूंगी, अभी बता दिया है कि फ्राइडे को 9:30 बजे है, तो शायद एक दिन पहले ईमेल कर दूंगी, लेक्चर कोई 6 है आपके स्टार्टिंग के, अच्छे से पढ़ लेना, और मैम जो असाइनमेंट है वो इस लेक्चर में जितने भी डिजीजेज हैं वो डिजीज उनका इमेज और उनकी डेफिनेशन, डिजीज उसका डेफिनेशन और आगे इमेज, ठीक है, और मैम वर्ड पे बनानी है ना, मतलब हैंड रिटन तो नहीं है ना, वर्ड पे बना लो, और अभी मैं जब कहूंगी कि इस डेट को देना है वो मैं आपसे कहूंगी किस तरह देना, गूगल ड्राइव पे मुझे एक मैं फोल्डर बना दूंगी, उसके अंदर सब जो है वो अपने नेम के साथ, और कोई भी बच्चा मुझे जब भी असाइनमेंट आप लोगों ने सबमिट करवानी है ना, तो जो उसकी फाइल का नेम होता है ना, बिकॉज मेरे पास तो वो सिर्फ सेव होके आ रही थी, मुझे
उस जगह पे आपने अपना नेम आगे आईडी, ठीक है, एमएस के लिख दो या मेमो लिख दो, कुछ भी साथ में लिख दो कि ये इस सब्जेक्ट को नेम नेम आईडी जरूर लिखना है, और फोल्डर जो बाहर आपका जो होता है ना उधर नाम लिखना है। बच्चों कोई पता नहीं होता असाइनमेंट, इतनी बुरी भेजते हैं मुझे, यकीन करो गुस्सा आता है, फिर कहते हैं नंबर मेरे साथ असाइनमेंट के नहीं दिए, सही फजूल कॉपी पेस्ट, कोई एक असाइनमेंट एक कोई प्रेजेंटेशन अच्छी बनाया करो जब भी बनाते हो, ठीक है, आप अपने लिए बनाते हो, क्योंकि मैं इस तरह की कभी असाइनमेंट्स देती होती हूँ जो आपके लिए फायदा हो, आपको बाद में एग्जाम में याद करना आसान है, ठीक है। अभी इसके अंदर बहुत सारे इमेजेस थे जो कि इमेजेस मैं दे सकती हूँ आपको कि ये इमेज ऐसा है, इसलिए डेफिनेशंस दे रही हूँ कि आपको याद करनी है आसान, जब आपको डेफिनेशंस पता होंगी ना कि इसके अंदर ये चीज़ होती है, उसकी वॉल के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, तो आप इमेज देखोगे तो वॉल क्लियर आपको नजर आ जाएगी कि हाँ भाई ये इमेज के अंदर वॉल खराब हुई थी, ठीक है। इसके अंदर अगर कोई मैस पड़ा हुआ है तो वो अगर ये चीज मैस है तो मैस इफेक्ट की वजह से इमेज इस तरह नजर आया, तो इमेजेस अब क्लियरली आपको डेफिनेशन के साथ क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, थोड़ा सा आपको अपने लिए भी वो स्टडी हो जाएगी, ठीक है। ये तो छोटी सी एक असाइनमेंट है, तो एक बस वन पेज की होगी, ज्यादा से ज्यादा 2 पेज की हो जाएगी, ठीक है, तो बस एक एक लाइन, दो दो लाइन की आपने डेफिनेशन लिखनी है और टेबल के अंदर है, और एक असाइनमेंट में और दूंगी आपको, 2 असाइनमेंट्स होंगी आपको, ठीक है। तो ये जल्दी से साथ ही क्लियर करके नेक्स्ट वीक में जो है मैं डेट बता दूंगी, उसमें आपने मुझे सबमिट करवा देनी, उसके बाद जो है फर्स्ट असाइनमेंट में एक्सेप्ट नहीं करूंगी, ठीक है, जो डेट होगी उस डेट तक आप लोगों ने बनानी है। अभी फ्राइडे को एग्जाम दो और नेक्स्ट जो है ना वीकेंड आएगा, वीकेंड में बेशक असाइनमेंट उसकी रहेगी, वरना तो एक दिन की है, आज अभी बना लो, लेक्चर खत्म होता है 10 मिनट का काम बना लो और गूगल से बस उठा लो, ठीक है, अच्छी सी प्रेजेंटेशन बनाया करो, जो अच्छे बनाता है, जो ज्यादा अच्छा और मेहनत करके बनाता है चीजों को उसको मैं ज्यादा नंबर देती हूँ, जो पता चल रहा होता है बस उसने ऐसे ही कॉपी पेस्ट मारा हुआ, कोई जहमत नहीं की नाम भी अपना अच्छे से बनाने की, कोई नाम नहीं लिखते, कोई कुछ नहीं करते, तो उनको मैं नंबर भी फिर मैं उसी तरह देती हूँ, ठीक है। तो अच्छे से हेडिंग्स बनाओ, रीड करो, जितना आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो वो चीज अच्छा आपके लिए उतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को होगी, उसमें क्लास में हम लोग लेक्चर भी पढ़ेंगे और साथ में आपका टेस्ट भी होगा, ठीक है। 18 मिनट्स दूंगी, अब उसके ऊपर मेरे ऊपर ना वो 50-55 सेकेंड्स का एक एमसीक्यू बनेगा, तो उस पर आप ज्यादा वो ना करना, ठीक हो गया, ओके। कोई क्वेश्चन तो नहीं है, चलो ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।